गरियाबंद जिले के तस्करों के खिलाफ लगातार की जा रही कार्रवाई। शरीर एवं संपत्ति संबंधी अपराध के अलावा पुलिस द्वारा गांजा, हीरा, शराब, जुआ के साथ ही वन्य जीव के तस्कर दबोचे गए। तेंदुआ खाल को बेचने की फिराक में घूम रहा तस्कर, पुलिस अधीक्षक के सूचना पर स्पेशल टीम भेजकर की बड़ी कार्रवाई। उत्साहवर्धन हेतु स्पेशल टीम को किया गया पुरस्कृत वितरण। पुलिस अधीक्षक गरियाबंद भोजराम पटेल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम शुक्ला भंडा बांध नाला पुलिस के पास एक व्यक्ति सफेद रंग का फुल शर्ट एवं खाकी रंग का फुल पैंट पहना हुआ तथा लाल रंग के मोटरसाइकिल के डिक्की में जंगली जानवर तेंदुआ के खाल को रखकर बिक्री करने के फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा था। सूचना के आधार पर घटनास्थल घोर नक्सल संवेदनशील होने से पुलिस कप्तान के द्वारा तत्परता दिखाते हुए मौके पर स्पेशल पुलिस टीम को मैं आर्म्स एम्यूनेशन के रवाना होने के लिए निर्देश किया। मौके पर स्पेशल टीम थाना प्रभारी शोभा संतोष जसवाल, प्रधान आरक्षक विजय मिश्रा, प्रधान आरक्षक अंगद राव, आरक्षक सुशील पाठक, आरक्षक चूड़ामणि देवता, आरक्षक दीप्तनाथ प्रधान, आरक्षक जय प्रकाश मिश्रा, आरक्षक दिवेंद्र परिहार, आरक्षक सुनील पांडे, आरक्षक सोना यादव, आरक्षक मनोज ध्रुव के द्वारा मैं आर्म्स एम्यूनेशन के साथ पहुंचकर घेराबंदी कर उक्त व्यक्ति को पकड़कर नाम पता पूछने पर अपना नाम बुदू राम गोड़, पिता सोनहेर गोड़, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम विजयपुर थाना रायधर उड़ीसा तथा वन्य जीव के खाल के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर पानी में जहर डालकर मारना बताया। वन्य जीव तेंदुआ की चमड़ा पूर्ण विकसित, जिसके सिर से पूंछ तक की लंबाई 82 इंच, सिर से पीठ तक की लंबाई 47 इंच, 35 इंच शरीर के मध्य भाग की चौड़ाई, 17 इंच सिर के पास की चौड़ाई, 10 इंच पूरा बाल लगा हुआ तथा चारों पैर में एक एक नाखून लगा हुआ, जिसे समक्ष गवाहन के घटना स्थल पर जब्त किया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अपने मोटरसाइकिल के डिक्की में एक सफेद रंग के बोरी में वन्य प्राणी तेंदुआ का खाल रखा पाया गया। आरोपी के कब्जे से वन्य जीव रखने के संबंध में कोई वैध कागजात नहीं होने से उक्त आरोपी का कृत अपराध धारा 939-51-52 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 एवं 03 लोक संपत्ति का निवारण अधिनियम का घटित पाए जाने से विधिवत समक्षा गवाहन के गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। गरियाबंद पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अवैध रूप से हो रहे गांजा, शराब, हीरा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसके परिपालन में थाना प्रभारियों द्वारा अलग अलग थानों में गांजा, शराब एवं हीरा एवं वन्य जीव के क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में विगत दिनों तेंदुए की खाल पेंगुलिन सहित आरोपी को पकड़ने में मिली सफलता के बाद शोभा पुलिस द्वारा एक बार फिर तेंदुआ की खाल के साथ अंतर्राज्य तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गरियाबंद पुलिस कप्तान द्वारा थाना शोभा पुलिस को तेंदुए की खाल को बरामद किए जाने पर 10,000 रुपए से किया पुरस्कृत। जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कहा कि अवैध रूप से जिले में हो रहे गांजा, शराब, जुआ, सट्टा, हीरा एवं वन्य जीव के तस्कर के विरुद्ध इसी प्रकार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि गरियाबंद जिले में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के आगमन के बाद 2 महीने में ही जिले भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने स्पेशल टीम गठित कर जिले भर में कार्रवाई लगातार की जा रही है। स्पेशल टीम में प्रधान आरक्षक अंगद राव, आरक्षक सुशील पाठक, आरक्षक चूड़ामणि देवता, आरक्षक दीप्तनाथ बघेल, आरक्षक जय प्रकाश मिश्रा शामिल है। पुलिस विभाग को क्या कहना है आपका, क्या है भाई? हमारी जिले की टीम एक टीम वर्क की भांति काम कर रही है। आप सभी लोगों ने देखा कि अभी अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया। हाल ही में वन्य प्राणी की तस्करी से संबंधित हम लोगों ने उस पर काफ़ी काम किया था, तो कल हम लोगों को शोभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हम लोगों को एक सफलता मिली। एक व्यक्ति जो नवरंगपुर का था, उड़ीसा का रहने वाला था, तेंदुए की खाल को बेचने की फिराक में था, वह उस क्षेत्र में घूम रहा था। मुखबिर से सूचना मिली तो हमने एक विशेष टीम बनाया और विशेष टीम बनाकर वहाँ पर भेजा। तो उसके बाद हम लोगों ने उसको थाना लाया, पूछताछ किया तो उसके पास उस खाल से संबंधित कोई पेपर भी नहीं था और कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उससे कड़ाई से पूछताछ किया तो उसको पता चला कि उड़ीसा का नवरंगपुर क्षेत्र का रहने वाला है
और तेंदुए को पानी में जहर दे करके उसने मारा और उसके हड्डी और सब चीज़ों को बाहर निकाल करके खाल को उसने इस तरीके से इस तरीके से उसने रखा और बेचने की कोशिश कर रहा था। और हम लोगों ने देखा कि उसके चारों जो थे पैर उसमें से एक एक नेल थे वहाँ पर, और उसने बाकी चीज़ें अपनी बताई इस तरीके से। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इसमें? अभी तक इस मामले में हम लोगों के पास एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और अभी हम लोगों ने पूछताछ किया है उससे और पूछताछ भी कर रहे हैं, चूँकि रिमांड पर हम लोगों को पेश करना है इसलिए अभी उसको हम लोग भेज रहे हैं। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन की काम चल रहा है, हम लोग उड़ीसा क्षेत्र में भी जा करके उसके क्षेत्र में और उधर पूछताछ करने की कोशिश करेंगे। जी सर, बताएंगे कि आपके आने से बड़ी बड़ी सफलता मिली है पुलिस विभाग को, क्या योजना बनाया जिससे सभी प्रकार की आप सफलता मिल रही है? जैसे कि मैंने अपनी सबसे पहले प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी लोगों को कहा था कि हमारी पुलिस विश्वास, विकास एवं सुरक्षा के आधार पर काम करेगी। हमारी पूरी जिले की जो टीम है एक टीम वर्क की भांति काम करती है, जिस पर मतलब मैं स्वयं सुपरविजन करता हूं, साथ ही एडिशनल एसपी साहब, दोनों एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी सभी लोग मिल करके एक टीम वर्क की भांति काम करते हैं। आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि हमारा जो जिला है एक प्रकार का यूनिक जिला है, अभी तक हम लोगों ने इस पर अलग अलग क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया यहाँ पर। अभी तक हम सभी लोगों को क्षेत्र में सफलता मिल रही थी, जैसे कि आप सभी लोगों को ये पता है कि हमारा जो क्षेत्र है काफ़ी नक्सल जो प्रभावित क्षेत्र है, तो अभी ये जो वन्य प्राणी को हम लोगों ने वन्य प्राणी की खाल, जो तेंदुए की खाल को हम लोगों ने सीज किया, यह शोभा क्षेत्र जो कि पूर्ण रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानते हैं वहाँ पर गई और हमारी टीम वहाँ पर पूरी साहस के साथ में गई और उसको सीज करके लाया। हम इसमें ये भी कोशिश करने की है कि ये जो खाल है इसको बेच करके, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हम लोगों को मिला है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन इस दिशा में भी होगी कि इस खाल से मिलने वाला जो मनी है वह कहीं उनको सप्लाई तो नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी दिशा जो हमारी जांच की दिशा होगी आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ नक्सल को कहीं फंडिंग तो नहीं हो रही है, उस दिशा में भी हम लोग जांच करेंगे। अनुमानित लागत क्या हो सकता है? इसके बारे में अभी फैसल को भेजने के बाद ही वो लोग इसके बारे में कुछ कमेंट कर पाएंगे। अब तक कितने वन्य जीव पकड़ गए? ये हम लोगों के वन्य प्राणी को वन्य प्राणी के संबंध में चौथी सफलता है। सबसे पहली सफलता महासमुंद पुलिस के द्वारा ज्वाइंट हम लोगों ने ऑप्स किया था, और दूसरी सफलता में हम लोगों ने तेंदुए की खाल को पीपलश्री क्षेत्र से सीज किया था। तीसरी सफलता जो पेंगुलिन को मैनपुर थाना क्षेत्र से हम लोगों ने सीज किया था। ये हमारी फोर्थ सफलता है जिसको हम लोगों ने शोभा थाना क्षेत्र से यहाँ पर सीज किया है। गरियाबंद से रमेश कुमार सोनी का रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं नेहा। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए अभी ही छत्तीसगढ़ विजन के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।